वज़ीरे आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने नादार फनकारों की फलाह बहबूद के लिए ट्रस्ट कायम कर दिया है। 1 अरब के फंड्स देने का भी ऐलान। फनकारों की बहाना इमदाद भी 5,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। परवेज इलाही से मुलाकात के लिए आने वाले फनकारों के वफ़ का इजहार मुसर्रत शुक्रिया अदा किया। वज़ीरे आला ने मरहूम अदाकार तारिक टैडी के बेटे को 30 लाख रुपए का चेक दिया। CM हाउस में नौकरी देने का भी ऐलान किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग। आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से, हक की इस पूरी चीज से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।